देन इज क्यूबेंसिस। मेंटली पार्ट यही रहता है, सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलिग्नेंट पेन्स ड्यू टू सीवियर टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, मेलिग्नेंट पेन मतलब फैल रही हैं दर्दें, वो इन्फ्लामेशन हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो गया, उसके साथ अभी दर्दें सारे शरीर में फैल रही हैं। कोई सेप्टिक कंडीशंस हैं, मेलिग्नेंट सुपुरेशंस हैं, ठीक है ना, सुपुरेट हो रहे हैं बार बार अलग अलग पार्ट, सेलुलाइटिस हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के ऊपर, या इंटरनल सुपुरेशंस हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, एब्सेसिस बन रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी रैपिडली बन रहे हैं। तो अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिजिकल में हमें थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिले, स्वेलिंग्स जो एब्सेस की स्वेलिंग है या सुपुरेशन की, वो है बहुत हार्ड, हाथ लगो ऐसे लगता है जैसे लकड़ हो, कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। एंड डूइंग थिंग्स हरिडली एम्यूलरेट सिम्टम्स एंड एंगजाइटी, जब जल्दी 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 करता है वो, तो उसके जो एंगजाइटी है और सिम्टम है, दर्दें हैं, कुछ भी हैं सिम्टम्स, वो आराम आना शुरू हो जाता है उसको। अगेन एनर्जी, और वो जल्दी जल्दी में निकल जाती है एनर्जी, तो बुखार नहीं लेता फिर ज़्यादा, सेप्टिक कंडीशन फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती, इसलिए उसको म्यूलरेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो एनर्जी ही है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अगर वो बैठ गया उसको थोड़ा जगह, तो दर्दें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, द पेन्स विल बिकम मेलिग्नेंट, द इन्फ्लामेशन विल बिकम मेलिग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज थेरिडियन। थेरिडियन में कुछ ही पॉइंट्स हैं, बाकी तो चलो हमने जो भी किया कॉमन करेक्टर्स वो हैं, लेकिन थेरिडियन में एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ है जो किसी और रेमेडी में नहीं मिलती अगर ये है, और थेरिडियन के बिना एक क्योर हो नहीं सकते पेशेंट, दैट इज हिस्टेरिकल सेंसिटिविटीज। जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसोरियम है, वो ही हिस्टीरिया में चला गया, ठीक है ना। जितनी हमारी सेंसेस हैं वो एक हिस्टेरिकल परवर्स्ड अनकनेक्टेड, हिस्टीरिया में एक अनकनेक्टेडनेस है, जो बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है और बॉडी का रिएक्शन, इनमें कोई है नहीं, मैच नहीं है, मेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नौशिया फ्रॉम नॉइज, नॉइज हो रही है, शोर मचा रहा है, उसे जी कचलाना शुरू हो गया, उल्टी आनी शुरू हो गई, एंड दिस इज नॉइज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक से नहीं, वो क्लब में चला गया कहीं डीजे में, वहाँ पे नहीं है नौशिया, मेरे को शोर लग रहा है, वो उसके लिए नहीं है नॉइज, कोई क्राउड है, कहीं लोग बहुत बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे शोर मचा रहे हैं कोई, या कोई ऐसी कोई वॉइस है, नॉइज है जो टी डी 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 करके हो रहा है, वहां से नौशिया होना शुरू हो गया। ट्रैफिक में खड़ा है, पा 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 हॉर्न बज रहे, वो नौशिया शुरू हो गया उसमें। अब नॉइज का नौशिया के साथ क्या लेना देना। इन हेडेक सेंसेशन एज ए वर्टेक्स इज नॉट हर ओन, सरदर्द शुरू हो जाए मोशन के साथ, मोस्टली एग्रवेशन हो जाती है स्टूपिंग के साथ, हेडेक शुरू हो जाता है इसका, लेकिन जैसे जैसे हेडेक बढ़ता है उसको लगता है ये जो वर्टेक्स का पार्ट है ना है ही नहीं। या अब ये देखो, आपका हाथ आपका है, आपका फेस आपका है, आपकी टांगें आपकी हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू फील, ये हमारी एक जो सेंसेशन है, एक परसेप्शन है कि ये मेरा हाथ है। कभी कभी आप देखो भी, आपका जब बाजू सो जाती है ना, बहुत ज़्यादा नमनेस आ गई, कोई प्रेशर ज़्यादा पड़ा था, सो रहे थे इसके ऊपर, उठो तो बाजू की फीलिंग नहीं होती, हमें पता था सो रही है लेकिन फील नहीं होती भी बाजू है वहाँ पे, आर्म है वहाँ पे, ये नहीं फील होती। ज़्यादा देर बैठ गए, ठीक है ना, जहाँ पे लेग के ऊपर प्रेशर आया, पैर सो गया, तो पैर की फीलिंग नहीं होती। ये जो आपका लगता है ना आपको, अभी हाथ मेरा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेंसेस, हम वहाँ की सेंसेस को परसीव करते हैं इसलिए वो मेरा लगता है। मेरी टांग की जो सेंसेशन है, अगर मैं उंगली ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, उनकी जो सेंसेशन आ रही है वो मेरे को बता रहा है कि हाँ ये मैं हिला रहा हूँ और ये मेरा है। तो जब वो सेंस ही ऐसी हो जाए वहाँ पे, तो ऐसा लगता है यार ये सर मेरा ही है, मैं फील ही नहीं कर पा रहा सर, ऐसा लग रहा है किसी और का है। एज ए वर्टेक्स इज नॉट हर ओन, एज दो शी कुड लेफ्ट लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट आएगा उसको, ये भी लगता है कि मैं ये आराम से उठा के रख सकती हूँ किसी और जगह, मेरा है ही नहीं। लीस्ट नॉइज पेनिट्रेट्स द बॉडी, कोई छोटी सी भी आवाज़ होती है, किसी ने बाहर कुंडी लगाई ची करके, वो ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी में पेनिट्रेट हो गई, स्पेशली दांत में पेनिट्रेट, मतलब ऐसा लगता है घुस गई कोई चीज़, अंदर घुस गई शार्प चीज़ कोई, उसको ऐसे दर्द होती है।
ये ना हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी भी, दांत का किसी नॉइज के साथ क्या लेना देना, बॉडी में पेनिट्रेशन का किसी नॉइज के साथ क्या लेना देना, अगेन कॉजिंग नॉशिया एंड वर्टिगो, लीस्ट नॉइज छोटी सी भी नॉइज हो, ठीक है ना, एसी चल रहा है उसकी अगर कोई आ रहा है टिक 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 टिक, वो भी बंद कर दो इसको, दांत में कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बोला दिस इज द प्रेजेंटेशन, ऐसे प्रेजेंट करेंगे वो, ठीक है ना, ये हमने सोचना है, मैंने आज तक ऐसे पेशेंट देखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि एक मेंटल इमेज बन जाती है कि हाँ टीथ मतलब क्या करेगा वो, यही कहेगा मेरे दांत में कुछ हो रहा है, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। बर्निंग इन टीथ आफ्टर श्रिल साउंड्स, दांतों में बर्निंग, अब बर्निंग की जो सेंसेशन है दांतों में, हाथों पैरों में ठीक है मिलती है, स्टमक एरिया में मिल जाती है हमें बर्निंग की सेंसेशन कॉमनली मिलती, दांतों में बर्निंग की सेंसेशन कितनी कॉमनली मिलती है, जलन होती है जी दांतों में, जलने लग जाते हैं दांत, ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे पेशेंट आके, कोई श्रिल साउंड होती है, ठीक है ना, और क्योंकि सब अजीब होता तो पेशेंट ना कई भी बार थोड़ी हिचका भी जाते हैं बताने से, लेकिन क्योंकि टैरेंटुला सॉरी स्पाइडर रेमेडीज ओपन हो जाते हैं इजीली, तो बताएंगे डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ना अजीब सी होती हैं, अजीब होती है मेरे साथ। एनलार्ज प्रोस्टेट विद फीलिंग ऑफ लंप इन पेरिनियम, प्रोस्टेट कहाँ पे, पेरिनियम कहाँ पे, उसको पेरिनियम में लंप की सेंसेशन होती है मेल्स में, ठीक है ना, जहाँ पेरिनियम वहाँ पे ऐसा लगता है कुछ है अंदर, चेक भी करवाते रहते हैं बार बार जाके, निकलता कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, नर्वस हाइपरेस्थीसिया, एक स्किन की ओवर सेंसिटिविटी होती है। स्पाइनल अनीमियाज, ठीक है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है स्पाइनल कॉर्ड की, या कोई इंजरी हो गई उसके बाद अनीमिया आ जाना बॉडी में, उनको हम स्पाइनल अनीमियाज बोलते हैं। और भी थोड़ी सी रेमेडीज हैं, 10-12 रेमेडीज हैं, बट टेरेंटुला एंड थेरिडियन आर वन ऑफ द रेमेडीज, बड़ी करेक्टरिस्टिक रेमेडीज हैं अगर ऐसा कुछ होता है अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स। एफिनिटी फॉर ट्यूबरकुलर डायथोसिस, केरीज एंड नेक्रोसिस एक कॉमन है इनके, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज हैं। सो अगर आपको ये तीन चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ पे थेरिडियन प्रिस्क्राइब होगी वहाँ पे कोई और दवाई ना पेशेंट को टस से मस भी नहीं करती, अगर थेरिडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं ऐसी, ठीक है ना, कुछ हैं पॉलीक्रैक, बहुत सारे दवाइयों ऐसे सिम्टम कई दवाइयों में आते हैं, उनमें से कोई दे दी जाए थोड़ा सा आराम दे देगी पार्शली इंडिकेटेड, इन रेमेडीज की पार्शली इंडिकेटेड भी नहीं होती, क्योंकि इनमें जो सिम्टम है वो बड़े स्ट्रॉन्ग और करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें मिलती है कि जनरल नॉइज से एग्रवेशन, हेडेक है नॉइज से एग्रवेट होता है, चक्कर है नॉइज से एग्रवेट होता है, दर्द है नॉइज से एग्रवेट होता है, ठीक है ना, तो यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थेरिडियन। और नॉइज जैसे मैंने आपको बोला कि छोटी सी भी कोई नॉइज, म्यूजिक नहीं, म्यूजिक इज नॉट अ नॉइज, स्पेशली फॉर द स्पाइडर रेमेडीज, ठीक है ना, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई घर में आया गेस्ट हंस रहे हैं बातें कर, नॉइज लगती है उसको। ऐसी हिस्टेरिकल सेंसिटिविटीज, सेंसरी सिम्टम्स आ रहे हैं जिनका एक दूसरे से के साथ कोई रिश्ता नहीं है, एंड नौशिया विद ऑल कंप्लेंट्स, कभी कभी वॉमिटिंग्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, चक्कर आ रहा है नौशिया साथ में, पेट दर्द तो चलो सॉरी पेट दर्द ठीक है ना, हेडेक है नौशिया, स्पाइनल इरिटेशंस है नौशिया, कहीं पेन्स हो रही हैं बॉडी में नौशिया साथ में है, सो विद ऑलमोस्ट ऑल द कंप्लेंट्स नौशिया इज अ वेरी कॉमन, पेशेंट ऑफनली कंप्लेंट्स अबाउट नौशिया, यू कैन थिंक इन लाइक दिस। लेकिन बाकी भी और भी है रेमेडीज इसमें, चाइना जाती है, पीकाक भी आ जाती है, लेकिन इसमें भी वो करेक्टरिस्टिक है थेरिडियन में, ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स। तो एक कॉमनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि ये जो सेंसरी है, कोई कलर देखा उससे नौशिया शुरू हो गया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कलर हैं जी मैं देख ही नहीं सकता, पहनने तो बहुत दूर की बात है, मैं देख ही नहीं सकता। सो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको ऐसे हिस्टेरिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं थेरिडियन में, और यही इसका करेक्टरिस्टिक है थेरिडियन में। चलो सो मेन चीज जो हमने समझनी है, पहली वही बात कि कैसे, जैसे मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स दी,
मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू पेशेंट्स के जो हैं एक्सपीरियंसेस, चलो वो तो है ही है, वो एक बात का बात है, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट के, जैसे मैंने बोला, पेशेंट का एक्सपीरियंस तो अभी बाद में बनना है हमारा, जब पेशेंट आ गया और वो ठीक हो गया आपकी रेमेडी के साथ, फिर वो बनेगा। लेकिन उसके पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा दांत का बताया, ये बंद कर, ये हमने सोचना है कि कैसे प्रेजेंट कैसे होगा मेरे सामने। और भी हो सकते हैं एक्सप्रेशन इसके, ये मैंने सोचा है एक एक्सप्रेशन, आप 20-25 लोग बैठे हो, 30 लोग बैठे हो, या आपस में आप कोई फ्रेंड्स बैठे हो 2-3, तो एक साथ पढ़ रहे, तो एक दूसरे से बात कर लो, या कैसे, तेरे को क्या लगता है कैसे शो होगा ये इंप्रेशन। हो सकता है तीनों अलग अलग बातें बता दें और वो तीनों सही हो, कि भाई ये दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस सिम्टम, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मटीरिया मेडिका को, फिलोसफी को पढ़ना सीखिए, कि पढ़ना कैसे है इसको। अगर आप पढ़ना सीख गए तो फिर पढ़ ही लोगे, मेरे एग्जाम्पल्स हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन जो दिमाग में खुद बनाई है कहानी, वो थोड़ी हम भूलेंगे कभी। अभी दिमाग में अगर किसी का इंप्रेशन हमने बनाया हो, यार वो बंदा है ही ऐसा, वो भूल सकते हो आप कभी। तो वैसे ही मेडिसिन का इंप्रेशन बन जाए, दवाई है ही ऐसी, तो वो कभी नहीं जाएगी मन से, ठीक है ना। सो एक फील आनी चाहिए जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ते हो, एक फील आनी चाहिए उसकी, रट्टे वाला काम नहीं है मटेरिया मेडिका। अगर आप अभी तक कर रहे हो तो छोड़ दो उसको, कोई भी काम रट्टे वाला नहीं है। हो गए स्कूल में, सॉरी स्कूल में कॉलेज में रट्टे लगा लिए, रट्टे में ना तो मन लगता है ना उस ऑटोमेटिसिटी है ब्रेन की, तो उसको फील करिए, मटेरिया मेडिका को फील करो। फॉक्सी आइज है, मैंने आपको बताया, देखो कल जाओगे देखो आंखें लोगों की, 20 तरह की 30 तरह की आंखें देखो अलग अलग, आपको आंखें देखनी आ जाएंगी। नाक देख लो 25-30 लोगों के, आपको नाक देखना आ जाएगा, अभी कितनी वेरिएशन है। पहले तो वेरिएशन तो पता लगे ना, देर इज नो एंड टू द थिंग्स विच यू कैन लर्न एंड अप्लाई इन होम्योपैथी, उसका कोई एंड नहीं है। और जितनी आप चीज़ें जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, ये है वो, होता है ना समंदर है जिसमें सब नदियां आके गिर जाती हैं, वैसी होम्योपैथी है। ये सब चीज़ें जो है आपके एक्सपीरियंस है, सोशोलॉजी के, फिलोसफी के, मेडिसिन के, सब आके यहाँ पे गिर जाते हैं। अब उसमें आप कितना निकाल सकते हो, कितना देख सकते हो, कितना सोच सकते हो, वो आपका काम है, ठीक है ना। तो एक मन में हमेशा रखना, अभी चीज़ें सीखनी है, ये ऐसे मज़ा आएगा, मज़ेदारी है क्या। अभी हमने पढ़ी टेरेंटुला थेरिडियन, क्या है उसमें, कोई है मुश्किल, इसको पहचान नहीं सकते आपको टेरेंटुला। एटलीस्ट ये तो पहचान लेंगे भाई ये टेरेंटुला नहीं है, ये तो हो ही जाएगा ना अभी, कि ये तो नहीं है, या एटलीस्ट ये थेरिडियन नहीं है। अगर ये भी आ गया तो भी थोड़ी बहुत पहचान आ गई हमें दवाई की, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं जो आप इनको जानते हो, ये अमन है, उन्होंने नहीं ये अमन तो नहीं है, तो एटलीस्ट अमन की पहचान तो है ना, कि कौन है अमन। हमने 10 लोगों को, नहीं, इन 10 में से तो कोई भी नहीं है, तो वो भी पहचान का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो ऐसे इनको जानना है, पहचानना है, पिक्चर बनानी, ड्रग पिक्चर, ये सीखो इस चीज़ को, इसको करो, ट्राई किया करो इस चीज़ को, ठीक है ना। क्लिनिक पे भी जो बच्चे आते हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ कि इन चीज़ों को ट्राई करो, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं कितनी दे दूंगा, मैं कितनी ही दे दूंगा आपको। आगे आगे तो आपको ही बनाना है, आगे आगे उस रास्ते पे आपको ही चलना है, ठीक है। चलिए इसके साथ आज की करते हैं क्लास यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट फ्राइडे ऑर्गेनन का होगा, नेक्स्ट 5 एफोरिज्म्स करेंगे, और जो आप पढ़ते हो, जो समझते हो, जो सीखते हो, शेयर किया करो। एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और ना बांटने से कम होती रहती है, क्योंकि जब आप बांटते हो, यू योर सेल्फ आर रिवाइजिंग इट, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ आती है बार बार, ठीक है ना। तो जो भी सुनना चाहता है, जो भी आपके साथ रहते हैं, उनको बताओ चीज़ों के बारे में, देखो ये चीज़ें होती हैं, आज जो
आपको टेरेंटुला पढ़ाते हैं, आ जाते थ्रेडिन बताता हूँ तेरे को, बताओ आपकी भी रिवीजन होगी, आपको भी याद रहेगी दोबारा, कोई चीज़ें होंगी बताने में, क्वेश्चन आ जाता दिमाग में, अच्छा यार ये कैसे होगा, क्वेश्चन आएगा तो फिर आंसर भी ढूंढेंगे, उसमें भी दिमाग लगेगा, या पूछेंगे, ठीक है ना। सो ऑलवेज शेयर योर नॉलेज विद अदर पीपल, इसको छुपाना मत, इसको रखना मत, वो खराब हो जाती फिर रखने से। चलिए ठीक है, हाँ।